मध्य प्रदेश के इंदौर में एक संभ्रांत परिवार की 45 साल की महिला के लापता होने से हड़कंप मच गया। जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला महिला अपने से 13 साल छोटे 32 वर्षीय रिक्शा चालक प्रेमी के साथ फरार हुई है। वह तिजोरी में रखे 47 लाख रुपए और जेवरों से भरा बैग भी ले गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जावरा, रतलाम और उज्जैन में छापेमारी कर रही है। दोनों के पकड़े जाने के बाद ही इस मामले का खुलासा करेगी। दरअसल इंदौर की 45 वर्षीय महिला पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि वह अपने घर से गहने नकदी लेकर अपने रिक्शा चालक आशिक के साथ ही फरार हो गई। हैरान कर देने वाला यह मामला इंदौर के हाजी कॉलोनी खजराना का है, जहां संभ्रांत परिवार की महिला अपने घर से करीब 8 दिन पहले लापता हुई थी। खजराना पुलिस ने पति की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की है। महिला का ससुराल और माए का पक्ष धनाढ्य वर्ग का है और करोड़ों की जमीन के मालिक है। पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी बगैर बताए घर से लापता हो गई है। मोबाइल बंद मिला तो शक गहराया और उसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला उसका रिक्शा चालक इमरान से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह भी उसके साथ गायब हुई है। पुलिस ने बताया कि लोकेशन के आधार पर एक टीम को जावरा भेजा गया है। फिलहाल दोनों के मोबाइल बंद आ रहे हैं। तो वहीं परिजनों ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही जमीन के सौदे में मिले 47 लाख रुपए तिजोरी में रखे थे। तिजोरी की चाबी महिला के पास ही रहती थी, उसने मौका देखा और रुपए और जेवर लेकर भाग गई। फिलहाल पुलिस महिला और उसके प्रेमी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है।